बसमर रही नाजरीन एक लंबे वक्फे के बाद दोबारा जो है हम सुनहरी यादों के साथ हाजिर हैं और मैं आपको बता दूँ कि बाज़ शख्सियात का ताल्लुक जो है वो उनकी एक तो किस्मत के धनी होते हैं और बाद लोग बहुत मेहनत के बाद किसी मुकाम को पहुँचते हैं तो आज हमारे साथ ऐसी एक शख्सियत जो स्टेट मिनिस्टर हैं दिफाही पैदावार के जनाब सरदार सलीम हैदर साहब <प्लस> उनसे आज बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं सरदार साहब अलग वाक़ हम आपको सेवन स्टार प्लस में खुश आमदेद कहते हैं और ये पूछते हैं कि आपका बचपन कहाँ पर गुज़रा आपने इब्तदाई तलीम कहाँ पर हासिल की बस्मिल पहले तो मैं सेवन स्टार प्लस का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया और आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ कि सेवन स्टार प्लस पूरे मुल्क में भी और ख़ासकर हमारे एरिए में बहुत ही अच्छी सहाफ़त की रवायत जो है वो वहाँ पर क़ायम कर रहा है मेरा बचपन जो है वो डनाल में मैं पैदा हुआ तहसील फ़तेहजंग में और तकरीबन पाँच साल की उम्र में मुझे फिर उस टाइम क्योंकि हमारे वक्त पे जो स्कूल्स थे वो इतने ज़्यादा नहीं थे हमारे एरिए में तो मुझे तला गंग में एक कॉन्वेंट स्कूल था उसमें मैंने पाँचवीं तक से तालीम हासिल की और उसके बाद फिर सारी जो मेरा टाइम है बचपन का नौजवानी का वो जो है वो पिंडी में गुजरा और मैंने अपनी जो तलीम है वो पिंडी से सर सैद स्कूल से और फिर डिग्री कॉलेज सेटल टाउन से तो आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है अपना गांव लगता है या रावलपिंडी नहीं सबसे अच्छी जगह तो मुझे अपना गांव ही लगता है कि जिस मट्टी पे मैं पैदा हुआ और जिस पे पला बड़ा और जो मेरी जाए पैदाश है मुझे सबसे अच्छी जगह ढुढ़ने लगती है बचपन में आप शरारती बच्चे थे या नहीं मैं शरारती नहीं था बस नॉर्मल था ना बहुत ज़्यादा शरारती था और ना बहुत ज़्यादा खामोश अपने दोस्तों के साथ तो ठीक था लेकिन बड़े लोगों में जब बैठता था तो फिर मैं ज़्यादा खामोश था शरारती नहीं था आप बचपन में जो है कौन कौन सी खेलें खेला करते थे आ, मैं बचपन में क्योंकि गांव में ही आना जाना था स्कूल जाते थे हॉस्टल में थे और जब वापस आते थे तो हॉस्टल में वैसे ही बच्चा बड़ा बाउंड सा होता है तो जब खुली फ़िज़ा में आता है तो फिर सारा कुछ उसका करने को दिल चाहता है तो मैं जो गांव के जितने खेल थे बच्चे जो उस वक्त खेलते थे गुली डंडा खेलते थे वो बंटे खेलते बंटे थे, खेलते थे। हाँ। और छोटी छोटी गाड़ियां जो हैं वो चलाया करते थे फिर पाँच छः साल से ऊपर हो के फिर उस वक्त इतनी ज्यादा तो नहीं थी लेकिन गांव में क्रिकेट फिर शुरू हो गई वो खेलते थे तो तमाम जो उस वक्त की जो खेल थे उनमें भरपूर तरीके से बल्कि घर वाले उसके लिए तंग होते थे परेशान होते थे कि सारा दिन जो है उसी में लगे रहे अगर गुल्ली डंडा खेल रहे हैं तो सारा दिन वो खेलते रहे सारा दिन बंटे खेलते रहे सारा दिन क्रिकेट खेलते रहे तो, तो है आपके वालदे ने जो है कोशिश की कि पहले आपको तलागंग में दाखिल कराया और वो फिर पिंडी में ले आए पढ़ाना चाहते थे आपको गाँव के माहौल से दूर रख के और उस वक्त प्राइमरी स्कूल और ऐसे फैसिलिटीज भी नहीं थी तो उस वक्त जो है आपकी जो शरारतें जो हैं स्कूल में या उसमें कैसे हुआ करती थी कौन सी ज़्यादा शरारतों पे कभी सजा मिली हो वाले की तरफ से नहीं ऐसी कोई ख़ास तो नहीं थी बचपन में एक दो दफ़ा ये हुआ कि गुली डंडा खेलते हुए क्योंकि वालदेन जो थे वो इस मामले में बड़े सख्त थे आपने मल्ले गांव के हवाले से कि ऐसी हरकत ना हो कि जिसकी वजह से उन्हें कोई शर्मिंदगी हो तो वो खेलते हुए एक दो दफ़ा वो डंडा जो है मेरे हाथ से लग गया किसी बच्चे को सर गया दाना नहीं गलती <laughs> से लेकिन उस पर फिर काफ़ी जो है वो वालदे की तो तरफ से मुझे डांट और सख्ती हुई बाकी ऐसी कोई हरकत या कोई ऐसी शरारत मैं मुझे नहीं याद कि मैंने कोई की हो जिसकी वजह से वालदे को कोई शर्मिंदगी हुई हो या उनकी नाराज़गी हुई हुई बस एक आध दफ़ा के अलावा जो है वो ऐसी तो जो है अटैचमेंट आपकी किसके साथ थी वालदा के साथ या वाले साहब वालदा के साथ थी बिल्कुल वालदा के साथ थी और अभी तक वालदा के साथ ही है ज़्यादा अटैचमेंट क्या वजह थी वालद साहब सख्त हैं या नहीं वाल साहब भी एक हद तक सख्त थे और हैं भी लेकिन वालदा जो है वो छोटी मोटी जो गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं उनको हर वालदा का इसी तरह होता है और मेरी वालदा का खासकर स्पेशली वो उनको उन पे पर्दा डाल लेती थी उनको छुपा लेती थी, थी और उनकी जो वो एक शफ़कत और प्यार था उसकी वजह से वो वालदा से मेरी ज्यादा, ज्यादा। वालिद से ज्यादा वालदा से अटैचमेंट थी, थी अच्छा लड़कपन के बाद फिर आपकी कॉलेज लाइफ शुरू हुई तो कॉलेज पिंडी में आपने जी पिंडी में काले

और बस सुबह कॉलेज गया और कॉलेज से वापस आके और फिर साथ ही ट्यूशन पढ़ने जाते थे वहाँ पे और सारा टाइम वो अपना चेक जो है वो मेरे ऊपर